मुसफा क्या हुआ? मम्मी रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, देखो नहीं बता रहे ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफिया से होंगे। हमें देखने वाले जामिरा खुश रहें और अल्लाह के फजल करम से हम भी खैर खरीत से हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह की रहमत हुई थी तो इसीलिए हमारे घर में फिर से बहुत बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए, तो इसीलिए आज फिर से हमारे भाई वहाँ पर ना ये सब भरा कर रहा है, मट्टी ले लेके वहाँ से जा रहा है और वहाँ जा कर डाल रहा है, और कहाँ पर डाल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। चलो मेरे भाई चलो, पीछे से धक्का। हाँ धक्का लगाओ, धक्का। ये बगैर पेट्रोल वाली गाड़ी है, बगैर पेट्रोल वाली। साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ और साथ साथ फिदा जान का मैंने सालन भी चढ़ा दिया है। वो क्या चढ़ाया? यखनी चढ़ाई है। और साथ साथ भाई को भी कह रही हूँ यहाँ पे भी मट्टी डालनी है क्योंकि बहुत बड़ा खड्डे होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस दिन हमने गाड़ी के साथ यहाँ पे मट्टी डलवाई थी। अभी हमने कहा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इसीलिए बेचारा अब पसीना पसीना हमारे भाई हो गए, तो हिम्मत लगा के वो अपना काम कर रहे हैं। इस साइड पे भी सारे खड्डे पड़ गए थे बारिश की वजह से, पानी क्योंकि बारिश का यहीं इकट्ठा हो गया था इस जगह पे, तो इस साइड पे पानी निकला है तो यहाँ पे फिर से खड्डे पड़ गए थे सारे, क्योंकि यहाँ से बाइक का रास्ता था आने जाने का, तो उसी बाइक के रास्ते से पानी घुसा, बाहर निकला पानी, तो यहाँ से फिर सारे खड्डे पड़ गए थे। तो अभी यहाँ पे सारी मिट्टी डाली है और इस साइड पे भी, अभी इस साइड पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल रहे हैं ताकि जो है ना इस साइड पे पानी इकट्ठा ना हो, पानी जमा ना हो। पानी जब भी जमा होता है, जमा होकर आगे निकलता है तो फिर मसला बनता है, तो इसलिए इस जगह पे मिट्टी डाल रहे हैं। और साथ में मामी ने ये देखें कपड़े डाल के कितनी ऊपर तार कर दी है ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो। सच्ची बात है, बड़ी मेहनत लगती है, हाथ देखो कितने लाल लाल हुए हैं और साथ साथ कटे भी हुए हैं, ये देखो। फिर भी मेहनत लगती है ना कपड़े धोने में भी, इसीलिए मैंने आसमान के ऊपर कपड़े लटका दिए, मैंने कहा मेरे कपड़े ना ख़राब हों। ये देखें ये सारा चक्कर जो है ना यहीं पे उतार दिया है इस जगह पे, थोड़ा सा और थोड़ा सा उस जगह पे, इसे फिर लेवल करेंगे, बराबर करेंगे ताकि जो यहाँ पर पानी रुकता है वो पानी यहाँ पर नहीं रुकेगा और यहाँ से जो खड्डे पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, इसलिए इस जगह को फिल कर रहे हैं मिट्टी से। सालन का पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तंदूर भी डाल दिया गया है रोटी बनाने के लिए, खाला ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर तंदूर डाल रही हैं, तंदूर में लकड़ियाँ। आज मामी ने ज़ैनब को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि मामी ने कहा है कि मेरे साथ कपड़े वगैरह धुलवाने में हेल्प करना। आज बिस्मा को स्कूल भेज दिया क्योंकि उसकी छुट्टियां बहुत सारी हो गई थी, एक एक बेटी की छुट्टी करवानी पड़ती है क्योंकि घर को भी साथ साथ मैंने देना देखना है और पढ़ाई भी करानी है। जी बिल्कुल, और देखें जो रेडी है वो खाली करके भाई लेके जा रहे हैं, लेकिन बच्चे सारे उसे तंग कर रहे हैं, कभी कुछ हाँ बच्चों की मौज लगी है। देने वाला था लेकिन मैंने मिस कर दिया, बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, हाँ। खड़े होके जा रहे थे, रस्सी को पकड़ा और सब बच्चे नीचे ऊपर से ये जो रस्सी है यहीं हाँ। से गुजरी रेड़ी, तो इस रस्सी को पकड़ा तो रेड़ी नीचे से गई, मुस्तफा ऊपर नीचे था, उसके अब्बू आए बच्चों को उठाने के लिए, मुस्तफा को खोता ले गया वो भी रोने लग गया। अभी ये देखे यहाँ पर नहा रहा है, सारा रेत रेत हो गया था। मजा आया? नहीं आया तो बहन जी मज़ा नहीं आया इसे, अब नहा रहा है, नहा के चेंज करता है क्योंकि सारा मट्टी मट्टी हो गया था। नानी अम्मा यहाँ पर साया में सुकून से बैठी हुई हैं और तैबा को झूला दे रही हैं, और तैबा भी सुकून से मेरे ख्याल में सो रही है, ये देखें माशाल्लाह हमारी परी सो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ कब उठेगी, तो इसके साथ खेलेंगे।
थोड़ी मस्ती करेंगे। बस लास्ट आखिरी चक्कर है और मामी ने मामी को खोते पे सवारी करने का शौक है, तो अभी मामी खोते पे सवारी करने वाली है। इसके ऊपर झूले भी झूलना है, मुझे बड़ा मजा आता है इन चीजों के ऊपर बैठने का। दांत रेडी हो गया, खोता रेडा हो गया, मजा आता है एंजॉय करने में, बड़ा मजा आता है। चलाना भी खुद है, खुद आपने? हाँ खुद ही चलाऊंगी ताकि मुझे फिर लेता जाए ऐसे ही। हाँ ऐसे पकड़ के ऊपर बैठना है सुकून से और फिर लेके जाना है इसको। चलो ठीक है पता चल जाता है। बस ये अब यहाँ पे ये सिर्फ आखिरी रेडी थी, अब बस इस मिट्टी को यहाँ पे फैलाना है क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं, कोई पता नहीं है कब मेरा मालिक अपना रहमत कर दे, तो इसीलिए पहले से संभल रहे हैं। चले फिर ले जाए पीछे है? बस वो आगे जा रहा है पीछे नहीं जा रहा। मैं इसको ले जाऊंगी। ओ ये स्टेयरिंग है इसका। हाँ चलो 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 हट जाओ चलो चढ़ जाओ ऊपर। मामी आप चढ़ो ना। अभी मुझे खा जाती। चल चढ़ जाओ ऊपर। मैं अगर बैठी ना ये बेचारा ऊपर हो जाएगा। डरी कैसे हो जाएगा? आप लोगों ने सीन दिखाया, डरी कैसे? अब शौक पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। इस साइड पे जो जगह कल मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, यहाँ से सारी जो है ना गड़ा पड़ गया था बारिश की वजह से, तो इस जगह पे भी एक रेत की रेडी भाई ने डाल दी है। बहुत शुक्रिया भाई जान। मैंने कहा यहाँ से ना फिर दीवार बनाएंगे ना। हाँ बिल्कुल खाली है, और मैंने कहा चलो और बारिश आ भी जाए कुछ तो बचत हो भी कुछ जाएगी। बचत तो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये जो है ना फिर मसला ज़्यादा खराब ना हो। बिल्कुल, ये भी दीवार भी बनवानी थी, रिपेयर करवानी थी, लेकिन मामू के बीमारी की वजह से सारे काम वैसे पड़े हैं। काम पूरा हो गया, मैंने कहा दो रेडियां यहाँ पे भी डाल दो, उसने कि चलो उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, चलो यहाँ से डाल दिए। आप फिर जो बिल भी ले और पता नहीं बिल आज कितना आया हुआ है पता। हाँ बिल भी आया हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ वो भी आए हुए हैं, पता नहीं कितना है वो भी पता करके आओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे याद आ गया अभी। चले ठीक है मैं ले आता हूँ। डेट भी मेरे ख्याल में आखिरी है आज या सुबह, 24 है ना, ऐसे होती है 24-25 आखिरी डेट होती है, ये तो बिल पे पता चलेगा, जाओ देख कर आओ ना फिर। चलो ठीक है मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर सारे बिल पड़े हैं, यहाँ से अपना बिल उठाते हैं और फिर घर चलते हैं, देखते हैं कितना बिल आया है हमारा। चले पहले बिल तलाश करते हैं इसमें से और फिर घर लेके चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना बिल आया है। अल्लाह करे कम ही आया हो, ज़्यादा ना आया हो। मामू बैठे हैं वहाँ पे और मामी हैं किचन में, चल के मामी को बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल तो मैं ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम मामी जी। बिल लेके आया हूँ लेकिन एक शर्त पे बताऊँगा, दिखाऊँगा बिल कि आपने मामू को नहीं बताना। हाँ बताओ तो सही, आखिर उसको हर बात पता होनी चाहिए क्योंकि वो बात आपकी ठीक है, पता होनी चाहिए, लेकिन बिल ही इतना ज़्यादा आया है, इतना ज़्यादा आया है कि अगर उसे बताया तो उसे उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ₹25,585। मामू को नहीं बताना, मामू पूछेगा भी सही तो उससे कहना कि बिल नहीं मिला, लेने गया था मिला नहीं है। फिर अब क्या होगा, कैसे बनाएंगे? मामू को बताएंगे नहीं लेकिन भरेंगे कैसे? कैसे भरेंगे? मामू के तो दवाइयों का पैसे नहीं है उसके पास, फिर उसने सुन लिया तो फिर आपको पता है अपने आपको पता है दवाइयों से दवाइयों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है, और ये मेरे ऊपर सर के ऊपर पहाड़ टूट गया। 25,500 कितना हो गया? 85 रुपए 85 रुपए
25,585 रुपया करनी है, अगर नहीं दी तो 27,157 रुपया। और डेट भी आने वाली है, डेट भी लास्ट है, इधर दिखाइएगा, 29 अगस्त है लास्ट डेट। आज 26 है, 3 दिन का टाइम है। क्या कर रहे हैं, क्या कर सकती हैं, ले जाएं। मैं क्या, आपको पता है उसकी दवाइयों के लिए मुझे मीटर चला गया, फिर भी मामू को पता तो चलेगा, बिल नहीं भरा। मैं उसको बता भी तो नहीं सकती, इतनी उसकी हालत ख़राब है, और उसको खुद को भी पता है कि कितने हालात हमारे ख़राब और टाइट हो चुके हैं, तो मैं उसको मज़ीद कैसे परेशान करूँ, खुद तो परेशान हूँ, उसको क्या परेशान मैंने करना, बताओ। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास थोड़ी है जो मैं दूँ। चलें बिल रख दें, बिल रख देती हूँ, जब आएंगे मीटर वाले ले जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। देखो पहले पिछले महीने 20,000 बिल आ गया, 18,000 20,000 बिल आया, अब देखो 25,000 अगर नहीं दिया तो 27 नहीं आ सकता इतना। हम गरीब लोग खाना मुश्किल से खाते हैं, तो बिल कहाँ भरेंगे, इतनी तो हमारी पे नहीं है इतनी, मतलब के नहीं आ सकता। चलें लेकिन इसे रख दीजिएगा, किसी को बताइएगा भी मत, सिस्टर से बात कीजिएगा अगर वहाँ से, सब बताइएगा कि उसके पास भी कहाँ से। की भी तबीयत खराब है उसकी भी, उसको क्या बोलूँगा। मामू खा लिया खाना? हाँ खा लिया, अभी दवाइयों का टाइम हो चुका है मेरा, ले आया बिल। क्या चीज? बिल ले आया? नहीं मामू बिल नहीं मिला, ढूंढता रहा हूँ मिला ही नहीं है। बिल तो आ जाना चाहिए, वो कहता है जिसके पास पड़े थे, वो कहता है आगे पीछे हो गया होगा शायद कहीं। अच्छा तो फिर पता नहीं है डेट का भी, तो आजकल की आखिरी डेट है, फिर वो इतना मीटर ना ले जाए, देख लो ना फिर कहीं ना कहीं ढूंढो, चलिए और दुकान से देख लेते, ढूंढते हैं चले। हाँ ढूंढो। मुस्तफ़ा ने भी चेंज कर लिए हैं कपड़े और सोया पड़ा है सुकून से। पानी भर क्या दूँ? पानी दे दो। क्या देख रही हो मम्मी? रो रही है? मुसाफा क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, देखो नहीं बता रहे ना। पूछो क्या हुआ? पूछो। बता दो मैं यार क्या कर सकूं। पैसे चाहिए, पैसे देने मुझे, बिल भरना है, बिल कितना है? 25,000। 25,000 तो मेरे पास भी नहीं। फिर जब मैं भरूंगा 25,000 में बिल भर दूंगा। ठीक है फिर इसको बता। यही बात थी जो बिल की थी ना, यही थी परेशान, इसलिए बैठी। अच्छा मामी वीडियो एंड कर रहे हैं, मैंने वीडियो भेजनी है बहन भाई, वीडियो तो न रहे ना, क्या करें और क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह हाफिज़।